हाल ही में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना है, इस वजह से यह मुद्दा काफी चर्चा में है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। सदन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इन खाली सीटों को भरने के लिए प्रति दो वर्ष में एक बार चुनाव होता है। राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्यों को अपने स्थान ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर किसी भी पार्टी में शामिल होने का भी ऑप्शन होता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होती है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 विशेष शक्तियाँ होती है जो सभापति के पास नहीं होती है। पहला कि लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। इसी प्रकार से राज्यसभा के पास भी 2 विशेष शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति है कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को यह अधिकार दे सकती है कि वह इस पर नियम बना सके। दूसरी शक्ति यह है कि वह केंद्र एवं राज्यों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार रखती है।